जब यहाँ वेस्ट बंगाल की लड़कियाँ यहाँ पे सेफ नहीं है तो हम तो खुद को क्या ही सेफ फील करें। लेकिन मुख्यमंत्री के घर वालों ने तो ये सब दुष्कर्म किया ने, तो हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री को बोल नहीं सकते। नहीं, अभी भी इनसिक्योर है क्योंकि जब तक ना उसको फांसी मिले तब तक हम लोग सेफ खुद को सेफ फील नहीं कर पाए। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। अर्जी कार में हुए रेप की दुर्घटना ने पूरे देश भर में कई सारे सवाल खड़े कर दिए। एक स्टूडेंट है जो बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट है, अर्जी कर में और जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली है। उनके मन में भी सवाल होता होगा क्योंकि पैन इंडिया से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं और इनके जो घर वाले होंगे वो जरूर उनके सुरक्षा पर, उनके तमाम चीजों पर सवाल उठा रहे होंगे। पुलिस प्रशासन पर क्या सवाल, वो अलग बात है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुजम्मिल मजीद है। अच्छा, तो आज इस पूरे घटना को 5 दिन हो गए, क्या आज भी वही दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं या उससे आप उभरी हैं थोड़ा? नहीं, जब से ये मतलब हमने ये स्टार्ट किया है यहाँ पे प्रोटेस्ट करना तब से मतलब खुद को लगा है कि नहीं कुछ ना कुछ तो होने वाला है इसे। लेकिन पहले पहले जब ये हुआ था तब इंसान को लग रहा था कि मतलब इंसान को बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था। हमें मतलब हम बहुत कुछ सोच रहे थे, इमेजिनेशन की दुनिया में थे हम। क्या पढ़ रही हैं आप यहाँ? हम बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। कौन सा साल है आपका? मेरा फर्स्ट ईयर ही है अभी। फर्स्ट ईयर, तो आप जम्मू एंड कश्मीर से आई? या। तो जम्मू कश्मीर के कहाँ से? कश्मीर से, हम श्रीनगर में ही हैं। श्रीनगर से। सवाल ये है कि जैसे ये फ्राइडे को ये घटना होती है तो आपके परिवार के लोगों ने फोन करा, क्या कुछ बात हुई? नहीं, परिवार वालों को तो पहले तो हम बताना नहीं चाहते थे। वैसे भी ये इतना वायरल हुआ तो घर वालों ने फोन किया, वो भी बहुत बहुत ज्यादा परेशान थे हम लोगों को लेके। बोल रहे थे कि अगर मतलब जब मैं खुद बोलना चाहती हूँ कि जब इंसान मतलब जब यहाँ वेस्ट बंगाल की लड़कियाँ यहाँ पे सेफ नहीं है तो हम तो खुद को क्या ही सेफ फील करें। हाँ, जब से ये प्रोटेस्ट हुआ है तब से खुद को लग रहा है नहीं मतलब सारे हम लोगों के साथ है। दिल्ली के भी जो कॉलेज है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब हर कोई मेडिकल कॉलेज प्रोटेस्ट कर रहा है इसलिए। तो हम लोगों को लग रहा है नहीं कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अच्छा, एक सवाल है कि जिस डॉक्टर के साथ ये घटना हुई कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई थी? नहीं नहीं, हम नहीं जानते थे उसको। और जो दरिंदा जिसने ये घटनाक्रम किया है उसको कभी देखा आपने कैंपस में? मैंने कभी नहीं देखा, मैं किसी को नहीं जानती। क्या डिमांड है? ये केस पूरा सीबीआई को चला गया है तो आपकी डिमांड क्या है? क्या अभी भी आप इनसिक्योर हैं यहाँ पे? नहीं, अभी भी इनसिक्योर हैं क्योंकि जब तक ना उसको फांसी मिले तब तक हम लोग सेफ खुद को सेफ फील नहीं कर पाए। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम हार्डेस्ट पनिशमेंट देंगे और हम ये कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो फांसी भी देंगे, तो आप यहाँ की सीएम लेडी है तो उनकी बातों से सहमत है, मतलब उनकी बातों पर भरोसा कर रही है? नहीं, एक तो फांसी देंगे इस वाले, ये तो बहुत बड़ा क्राइम है, ये तो क्राइम नहीं बहुत बड़ा क्राइम है, इसके लिए तो फांसी होनी चाहिए। क्या जो लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही है उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा कर रही है, हम भी थे प्रोटेस्ट में, हम भी कर रहे हैं प्रोटेस्ट, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि ये सब करने के लिए। थैंक यू। तो हम लोग आरजी कार के बाहर है, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है और विरोध प्रदर्शन के बीच पूरे देश भर में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल के कॉलेज में हॉस्पिटल में क्या बच्चियाँ लड़कियाँ या जूनियर डॉक्टर सुरक्षित है कि नहीं है। क्या नाम है आपका? गिरिराज शर्मा। रजत जी, तो कितने दिन से इस प्रोटेस्ट में, क्योंकि ये 5 दिन से चल रहा लगातार इनका विरोध प्रदर्शन? हाँ, 5 दिन से चल रहा, लेकिन मैं आज आया हूँ, तो मैं शहर से बाहर था, कल ही आया तो न्यूज़ सुन के यहाँ पर आया। अच्छा, तो आप किसी पार्टी से जुड़े हैं या किसी संगठन से? नहीं, मैं पार्टी वगैरह से तो नहीं हूँ, लेकिन मानवता के नाते तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे समाज में हमारे बहन माता बहनों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा तो हम एक अच्छे नागरिक की तरह से हमें आना चाहिए, खड़े रहना चाहिए। कल को आपकी भी माँ बहन है, उस समय आप अकेला ना पड़ जाएं तो किसी के साथ तो खड़ा रहिए। ये बताइए कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो भी दोषी है उसको 24 घंटे के अंदर उनकी प्रशासन ने अरेस्ट किया, मगर सवाल ये है कि ममता ने कहा कि हम जो है हार्डेस्ट पनिशमेंट फांसी तक दे सकते, तो क्या ममता बनर्जी के कार्यशैली पर सवाल उठना चाहिए? देखिए, कार्यशैली पे ये कार्रवाई के लिए सवाल नहीं उठना चाहिए, लेकिन जैसे बोला गया कि हॉस्पिटल, इतने बड़े हॉस्पिटल, 100 साल का इतिहास है इसका, 15 साल से मुख्यमंत्री जी राज कर रहे हैं, इसमें कुछ तरह की खामियां हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जैसे ये सब उपकरण इसमें नहीं हर जगह होना चाहिए कि महिला जो है आज आपको ड्यूटी देती हैं, करते हैं, उनका सेफ्टी जरूरी है, चाहे महिला हो या मर्द भी हो, कोई भी हो, उनका सेफ्टी का जरूरी है, एक नागरिक के हिसाब से हमको सेफ्टी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी भी खामियां भी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के घर वालों ने तो ये सब दुष्कर्म किया ने, तो हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री को बोल नहीं सकते। एक सवाल है मेरा कि
सीबीआई इस पूरे केस को मतलब के सौंप देख रही है। अब आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया, तो क्या लग रहा है कि सीबीआई से जो चीजें कोलकाता पुलिस नहीं निकाल पाई, क्या सीबीआई इस पूरे मामला को निकाले? देखिए, भरोसा तो सीबीआई पे भी है और कोलकाता पुलिस पे भी। हम कोलकाता में रहते हैं, हम अपने पुलिस को खराब नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरह से सुसाइड का एंगल बताया गया, ये सब बताया, तो पुलिस अपनी छवि खुद धूमिल कर रही है। अच्छा, ठीक है। तो धूमिल करने के कारण आज सीबीआई पे भरोसा हो रहा है, कोलकाता पुलिस पे नहीं हो रहा, ठीक है। और आने वाले डेट में भी अच्छा रिजल्ट निकले और इस लड़की को इंसाफ मिले, ये क्या हर किसी के साथ ना हो, मुख्यमंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए। आने वाले डेट में सीसीटीवी कैमरा वगैरह, नागरिक सुरक्षा के लिए हर चीज़ करना चाहिए। आज एक सिविक वॉलंटियर किस तरह से उसका क्या हक बनता है कि वो अंदर जाएगा, ये जाएगा। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि अभी मणिपुर में भी कुछ दिन पहले घटना हुई थी और बंगाल में भी हुई, दोनों बहुत हॉरिफाइंग घटना है, ऐसा नहीं कि कोई कम है कोई ज्यादा है, तो क्या लग रहा है कि आप के मतलब वहाँ पे तो अभी तक कुछ गिरफ्तारी नहीं हुई, मगर यहाँ एटलीस्ट गिरफ्तारी हुई? देखिए, इस पे तो ये राजनीतिकरण पे हम कैसे बोल सकते हैं, हर तरह का है। अब वहाँ पर दीदी पहुंची भी नहीं थी, यहाँ पर पहुंची है, यहाँ पर देखी है, ठीक है। तो दोनों ही घटना दुर्दनीय है और आशा करते हैं कि दोनों जगह इंसाफ हो। एक सवाल है कि बहुत सारे बीजेपी के और सीपीआईएम के लोग ममता बनर्जी से रिजिग्नेशन मांग रहे हैं, क्या उचित है या गलत? मेरे हिसाब से उचित ये होता है कि ममता जी को ये दोषी ना करार करके ममता जी से अनुरोध किया जाए कि भैया आप ये घटना पे तो इंसाफ हो और आगे ऐसा घटना ना हो, क्योंकि पब्लिक ने उनको चुन के बनाया है, तो उन पे एक आरोप लगा के मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो पूरे देश भर में हम लोग जो है देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इस जगह आरजी करके बाहर मौजूद है, काफी सारे लोग हैं जो स्टूडेंट नहीं है मगर इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल है। तो हम काफी लोगों से बातचीत कर रहे थे और उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस घटना ने उन्हें किस तरह से झंझोरा है, किस तरह से तोड़ा है, किस तरह से वो जो है कमजोर पड़े, ये तमाम पहलू पर हमने बातचीत की है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।